नमस्कार, शुभ संध्या, जोहार। 14 मई 2021 की खबरों के साथ ये है स्वदेशवाणी। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा, सबका सपना रांची में घर हो अपना। आइए डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इसराइल हमास युद्ध में अब तक 103 की मौत हुई। इसराइल ने हमास की रॉकेट लॉन्चिंग साइट पर एयर स्ट्राइक की। IDF का दावा कि हमास के 300 रॉकेट मिसफायर होकर गाजा पट्टी पर ही गिरे। इस विवाद के समझौते के लिए UNSC की रविवार को होगी बैठक। सिंगापुर में कोरोना के बढ़ते खतरे की आशंका के बाद सरकार की कड़ी पाबंदियां लागू। पब्लिक एक्टिविटी और एकजुट होने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। कोरोना वायरस के उत्पत्ति की पूरी जांच करना जरूरी, दुनिया के 18 शीर्ष वैज्ञानिकों ने लिखा पत्र। आइए अब चलते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। अगले हफ्ते से मिलने लगेगी स्पुतनिक वैक्सीन। डॉक्टर रेड्डी लैब बनाएगी देश में स्पुतनिक वैक्सीन। 995 रुपए होगी एक खुराक की कीमत। गुजरात में 3 दिन के लिए रोका गया 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण। कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतराल बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद उठाया गया ये कदम। केंद्र ने कहा राज्यों को निशुल्क भेजी जाएगी करीब 1,92,00,000 कोरोना वैक्सीन्स। पत्रकारों के लिए मध्य प्रदेश सरकार का अहम ऐलान, कोरोना संक्रमित होने पर इलाज का खर्च देगी राज्य सरकार। दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर भड़के प्रधानमंत्री, राज्य सरकारों को दिया कड़ी कार्रवाई का आदेश। आइए अब चलते हैं अपने झारखंड बिहार की खबरों की ओर। गुमला में बीमार, ओझा और झोला छाप डॉक्टरों के हवाले। भ्रम ऐसा कि गांव में हेल्थ वर्कर्स को देखते ही खदेड़ देते हैं ग्रामीण। कोरोना के टीके से ग्रामीणों को मौत का डर। VHP ने कहा बंगाल के 40,000 से अधिक पीड़ित हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए स्वतः संज्ञान ले न्यायपालिका। झारखंड के CM हेमंत सोरेन का ऐलान, कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों का सरकार रखेगी ध्यान। गंगा घाट पर उमड़ी हजारों की भीड़, बक्सर के केशवपुर घाट पर मुंडन कार्यक्रम, ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क के दिखे सैकड़ों लोग। लालू ने यूपी बिहार के लोगों से गंगा मां को बचाने की अपील की। तेजस्वी ने RT-PCR जांच कम होने पर CM को घेरा। अर्थी जुलूस के बाद प्रार्थना पत्र लिखेंगे जाप कार्यकर्ता, 15 मई को भेजेंगे चिट्ठी। अपहरण केस में पूर्व सांसद की हुई है गिरफ्तारी। आइए अब चलते हैं खेल जगत की खबरों की ओर। पृथ्वी शॉ को पुलिस ने रोका, लॉकडाउन में छुट्टी मनाने गोवा जा रहे थे टीम इंडिया के ओपनर, ई पास भी नहीं था उनके पास। विराट अनुष्का के क्राउड फंडिंग से 7 दिन में 11.39 करोड़ रुपए जुटे। मेडिकल इक्विपमेंट और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के लिए होगा इस्तेमाल। आज इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकैसल और मैनचेस्टर सिटी होंगी आमने सामने। ये थी अब तक की खबरें। इसके अलावा अन्य खबरों की जानकारी के लिए आए हमारी वेबसाइट swadeshwani.com पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। स्वदेश वाणी, स्वदेश वाणी।